तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, थोड़ी देर पहले हमने जो पढ़ा है सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि आपका जो नेट एक्सपोर्ट होता है यानी जो शुद्ध निर्यात होता है और जो विदेश से प्राप्त संसाधन आय होता है उसके बीच में डिफरेंस। और उसके बाद हमने पढ़ा मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुओं में अंतर। ये जो बीच में डिफरेंस था जहां तक मुझे याद था कि मैंने ये करवाया नहीं आपको, इसलिए मैंने बीच में मर्ज कर दिया उसको, क्लियर। और अब हम बात करते हैं स्टॉक और फ्लो, यानी हमारा स्टॉक और फ्लो, फ्लो मतलब प्रवाह, क्लियर। स्टॉक को स्टॉक ही लिखेंगे हम और फ्लो को हिंदी में प्रवाह बोलते हैं, क्लियर। तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, क्लियर। तो देखते हैं स्टॉक की अगर हम बात करें तो उसने बोला ये वे मात्राएं हैं या ये वो चर है, ये वो चर है, ये वो चर है जिनको समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। ये आपको याद रखना है कि जिसको जिनको समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है, यानी मैंने क्या बोला, स्टॉक वो चर है, वो मात्राएं हैं जिनको समय के एक निश्चित यानी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप इसे क्या करते हो, मेजर करते हो, क्लियर। जबकि प्रवाह की अगर हम बात करें तो उसने बोला ये वो चर है, वो मात्राएं हैं जिनको समय अवधि की प्रति इकाई पर मापा जाता है। देखो यहाँ पे वर्ड क्या है, वो एक निश्चित बिंदु था, यहाँ पे प्रति इकाई पर इसको मापा जाएगा, ठीक है ना। ये आपको पहली चीज याद रखनी है। नंबर दो, स्टॉक का कोई समय काल नहीं होता है, स्टॉक का कोई भी समय काल नहीं होता है। जबकि प्रवाह की अगर हम बात करें तो उसका समय काल होता है, जैसे या तो ये प्रति घंटा होगा, प्रति इकाई बोला क्योंकि, या प्रति माह हो सकता है, प्रति वर्ष हो सकता है आदि। आप बोल रहे होंगे मैं ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट क्यों करवा रहे, देखो पॉइंट बाय पॉइंट भी याद करना काफी आसान होता है। पहली बात, इसमें भी डिफरेंस पूछा जा सकता है कि स्टॉक और फ्लो में कोई दो डिफरेंस बताओ, तो मैंने एटलीस्ट तीन लिख दिया आपके लिए, ठीक है ना। बाकी आप उदाहरण में इसको एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो, है ना। तो पहला पॉइंट, जिसको समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है वह है स्टॉक, प्रवास प्रति इकाई पर मापा जाएगा, क्लियर। नंबर दो, स्टॉक का कोई समय काल नहीं होगा, ठीक है। प्रवाह का समय काल होता है जैसे प्रति इकाई, ठीक है, जैसे प्रति घंटा, प्रति माह और प्रति वर्ष, क्लियर। आगे, ये एक स्थिर या फिर गतिहीन, जिसमें गति ना हो, ठीक है, वो अवधारणा है। आप अचल भी बोल सकते हो, अचल, अचल, अचल मतलब जो चल नहीं सकता, है ना, अचल। तो ये क्या है, एक स्थिर गतिहीन अवधारणा है, यानी स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश में बोलूं तो स्टैटिक, ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यानी क्या है, गतिहीन। जबकि अगर हम यहां पे बात करते हैं तो ये गतिशील अवधारणा है, यानी डायनामिक कॉन्सेप्ट है, यानी इसमें गति है, ये गतिशील है, वो गतिहीन है, क्लियर हो गया। अगला पॉइंट, उदाहरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा है संपत्ति। अब देखो, अब मैंने कहा, आपने बोला मेरे पास ना 2 करोड़ की संपत्ति है, तो भाई साहब वो स्टॉक हो गया ना, कि 2 करोड़ की है नहीं, फिक्स है वो एक जगह पे। तो मैंने कहा संपत्ति हमारा हमेशा क्या होगा, स्टॉक होगा। मगर मैं वही बोलूँ कि आप इनकम कमा रहे हो, आपकी आय आती है 20,000 रुपये, 30,000 रुपये आप इनकम आ रही है, तो भाई साहब वो आ रही है ना, आप काम कर रहे हो आपके पास पैसा आ रहा है, आप काम कर रहे हो आपके पास पैसा आ जा रहा है, तो वो आपका फ्लो है। तो यानी जो एक जगह पे स्थिर है कि आपने इतनी प्रॉपर्टी बना ली है वो संपत्ति, यानी वो स्टॉक हो गया, और आपके सभी भी इनकम आ रही है जो, वो आपके लिए क्या हो गया, प्रवाह होगा, क्लियर। एग्जाम्पल आ जाते हैं पेपर में कि जैसे बोलेंगे बैंक जमाए बताओ क्या होगा, स्टॉक है या फ्लो है, ऐसे कुछ कौन से क्वेश्चन आपके ऊपर आ सकते हैं, क्लियर। पूंजी, मेरे पास इतनी कैपिटल रखी है, भाई साहब कितनी कैपिटल, मैंने कहा 1 करोड़ कैपिटल, स्टॉक है। मगर वही पूंजी निर्माण हो रहा है, अब निर्माण होता समझ लो बढ़ रहा है ना, पूंजी निर्माण, अब पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो, आपका फ्लो कॉन्सेप्ट यानी प्रवाह के अंदर आएगा, डन। बैंक में आपने पैसा जमा कर रखा है, बैंक जमाए स्टॉक, मगर उसी बैंक के जमा पे आपको पैसे पे ब्याज मिल रहा है, ठीक है, या वो भी पैसा निर्माण हो रहा है, तो वो भी क्या आएगा, हमारा प्रवाह के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो पूंजी है, पूंजी पे ब्याज मिल रहा है, वो यहाँ पे है, ठीक है। बैंक जमाए ऊपर है कि वो फिक्स है, यहाँ पे पूंजी निर्माण भी हमने देखिए, पूंजी पे जब पैसा आप कहीं लगाते हो तो अगर वो बढ़ रहा है तो प्रवाह है, ठीक है ना, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। आगे, छत में आपने एक टंकी रखी है, उसके अंदर पानी है 500 लीटर, भाई साहब स्टॉक है, आपने रोक के रखा पानी को, मगर उसी छत की टंकी में पानी का रिसाव हो रहा है, रिसाव यानी पानी लीक हो रहा है, यानी क्या नहीं, पानी आपने नीचे खोल दिया तो पानी नीचे रस रहा उसके, तो उसका मतलब वो फ्लो है यानी प्रवाह है, यानी प्रवाह यानी चल रहा है, ठीक है ना। ऐसी उत्तराखंड एवं दिल्ली, उत्तराखंड और दिल्ली, ठीक है, के बीच की दूरी, मैंने कहा मान के चलो 800 किलोमीटर है, तो उत्तराखंड और तुम्हारे दिल्ली के बीच की दूरी 800 किलोमीटर, तो उसका मतलब फिक्स है कि ये दूरी कम थोड़ी ना हो जाएगी, ये तो फिक्स है, तो उसका मतलब ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है।
मगर वही दिल्ली से उत्तराखंड जा रही कार की रफ्तार, भाई साहब रफ्तार तो वो तो फ्लो होगा ना, मतलब कितनी कितनी स्पीड से भाग रही होगी वो कार। तो अगर वो कार की स्पीड की बात कर रहा है तो हमारे कहाँ चले जाएगी, वो फ्लो के अंदर चले जाएगा। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप अपनी बुक से इसके और एग्जाम्पल देख सकते हो। क्लियर, जो समझना आए वही कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मुझसे पूछो, मैं आपको जरूर बताऊंगा। डन, तो हमने देखो आज बहुत कुछ पढ़ा है। एक तो आपने अंतिम वस्तु के बारे में पढ़ लिया है, मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में पढ़ लिया है, नंबर थर्ड आपने शुद्ध निर्यात के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, और विदेशों प्राप्त निवल कारक आय यानी शुद्ध कारक आय के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया। फिर आपने स्टॉक पढ़ा और प्रवाह पढ़ा, इनके बीच में डिफरेंस भी देख लिया एक तरीके से। डन, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन करिए, अपनी एक कॉपी बना लीजिए। देखो ये कॉपी जो आप बना रहे हो ये आपकी बीए बीकॉम में भी काम आएगी, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र अगर आप वहाँ पे भी लेते हो, क्योंकि वहाँ पे है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे पहले तो लेते हैं, ठीक है, आजकल बच्चे थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे नहीं पता, बट जब अच्छा खासा आपको कॉन्सेप्ट सब कुछ पहले से पढ़ा पढ़ा मिल रहा है तो करो ना। थोड़ा सा एक आध चीज़ें अलग होगी, वो हमने ऑलरेडी करा रखी है, वीडियो उसकी ऑलरेडी बनी हुई है। डन, चलो तो इन वीडियो को, इस वाली वीडियो को क्या है, इन पर ख़त्म करते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूले, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।